एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल, दिस इज जतिन गोयल। सो आज हम विराट कोहली का पोर्ट्रेट बनाने वाले हैं। अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें कलर करने वाले हैं। तो कलर मैं बता दूं, मैं पोस्टर कलर यूज़ कर रहा हूं जो कि डोम्स के हैं, स्टूडेंट वाले, आपको बाजार में ईजिली मिल जाएंगे किसी भी स्टेशनरी शॉप्स पर। और ब्रश भी मेरे पास सिंपल फेवर कास्टल का है, आप चाहें तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं। तो इसमें हम शेड्स बना लेते हैं जो कि उसके क्लॉथ वाइज है। मैं फोटो आपको रेफरेंस दिखा देता हूँ जो कि उसके क्लॉथ के अकॉर्डिंग, जो हमारी इंडियन टीम की जो टी शर्ट होती है उसका जो कलर है उसका शेड बना लेंगे। तो डायरेक्ट मैंने ब्लू प्लस थोड़ा सा वाइट का टोन ले लिया है। चलिए इसको फिल करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। याद रखें, अगर पोस्टल कलर से कर रहे हैं तो कलर थोड़ा कम लेंगे, पहले हम वेट कर लेंगे पेपर को, जिससे क्या होता है कि वो अच्छे से स्टिक कर लेता है कलर को। हम टोन बनाने में भी हमें सिंपलिसिटी रहती है। और शीट में बताया था, मैं बब शीट यूज़ कर रहा हूँ, ये आपको स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगी। कलर हम ऐसा टोन वाइज करें, जैसे कि पहले मैंने लाइट टोन किया है उसके बाद डार्क। हाँ, फोटो रेफरेंस मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये मैंने पोर्ट्रेट जल्दी जल्दी में बनाया है पूरा, तो इसका आप ट्यूटोरियल भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप देख सकते हैं। अब इसमें मैंने पर्पल का शेड ले लिया जो कि मैं शेडो वाला इफेक्ट बता रहा हूँ उसमें कैप का। और ब्रश को बार बार ना चलाएं, थोड़ा सा वाटर लेके डिप करें, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। अगर हम ज़्यादा सूखा चलाएंगे ब्रश को तो जो शीट होती है वो पेपर छोड़ने लगती है, उसमें से रेसे से निकलने लगते हैं। तो हो सके तो आप पेपर को, अगर जब मतलब कलर आपका ड्राई हो जाता है, ब्रश आपका ड्राई हो जाए, तो थोड़ा सा उसमें पानी मिक्स कर लें, जिससे आपका क्या होता है कि पेपर नहीं छूटेगा और आपके पोर्ट्रेट भी ख़राब नहीं होगा। बियर्ड वाले पाइट के लिए आप ब्रश को थोड़ा सा ड्राई रखें, मतलब ज़्यादा पानी ना लें उसमें, और कलर को अप टू डाउन चलाएं, जिससे कि उसके रेसे से दिखेंगे, देख सकते हैं आप इसमें। और मैं डायरेक्ट ब्लैक कलर नहीं किया, मैंने उसमें ब्लू का शेड लिया है, कहीं पे पर्पल का और कहीं पे थोड़ा सा ब्राउन। चलिए अब हम करते हैं स्किन टोन। स्किन टोन के बारे में बता दूं मैं आपको किस तरीके से उसे बना सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी टोन होते हैं स्किन कलर के। और स्किन कलर बनाने का मेथड मैं बताया था, रेड येलो ब्लू प्लस वाइट को मिलाकर हम उसका टोन बनाते हैं। आप रेड येलो को भी मिला के बना सकते हैं एक टोन, और रेड येलो ब्लू को भी मिला के बना सकते हैं एक टोन, जिसमें से कि डार्क टोन भी बनेंगे और लाइट टोन भी, देख सकते हैं। ब्राउन जिसका कलर का इफेक्ट दिख रहा है उसमें मैंने ब्लू को मिक्स करके बनाया है, रेड येलो ब्लू, और यहाँ पर लाइट है उधर रेड प्लस येलो प्लस वाइट, ये देख सकते हैं आप। और वाइट डायरेक्ट अप्लाई ना करें, क्योंकि रियलिस्टिक वर्क में वाइट कलर नहीं दिखता ज़्यादा, रिफ्लेक्शन में दिखा सकते हैं हम उसे, जैसे कि टीथ में दिखा सकते हैं, नोज़ के उस पर दिखा सकते हैं, आइज़ की बॉल में। और जितना आप चाहें डिटेल कर सकते हैं बियर्ड में, तो बारीक ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। शेडो वाले पार्ट पे एक ब्लैक कलर का वॉश दे रहा हूँ, जिसमें कलर कम ले रहा हूँ और वाटर में डिप करके अच्छे से उसको वॉश दे रहा हूँ, जिससे कि शेडो प्रॉपर दिखे, ज़्यादा डीप कलर ना लें क्योंकि बिल्कुल फिर ब्लैक दिखने लगेगा। मैं सिर्फ शेडो ले रहा हूँ उधर ई नेक पे भी, एक्चुअल फ़ोटो में तो और थोड़ा रियलिस्टिक है, पर मैंने जल्दी जल्दी ये बनाया है पूरा। तो ब्रेस्ट पार्ट जो कि हमारी क्लॉथ का है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें टोन्स हैं जो कि स्काई ब्लू कलर के हैं और थोड़ा डार्क ब्लू कलर के भी हैं। तो आप अगर डार्क कलर यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा डार्क ब्लू या ब्लैक का यूज़ भी कर सकते हैं कहीं कहीं पर, वैसे डायरेक्ट ब्लैक अप्लाई नहीं करते हम, उसमें रेड मिला के कर सकते हैं जिससे डार्क टोन दिखेगा, जो कि हमारे इंडिया टीम की जर्सी है तो उसके टोन्स देख सकते हैं। इस तरीके से बना लें आप, चाहें तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, पहले भी बना के रख सकते हैं। तो अब बैकग्राउंड को क्लियर कर लेते हैं हम। तो बैकग्राउंड भी डार्क ब्लू प्लस थोड़ा सा ब्लैक का टोन लेके मैं कर रहा हूँ, जिस तरीके से फोटो रेफरेंस में था। और आप भी धीरे धीरे अप्लाई करें, जिससे कि जो आपका पेपर है वो नहीं फटेगा। काफ़ी मैंने सुनने में आता है कि हम ब्रश को यूज़ करते हैं बार बार तो उससे पेपर हटने लग जाता है, तो आप पानी का यूज़ सही तरीके से करें और ब्रश को ज़्यादा ड्राई ना करें तो पेपर आपका नहीं हटेगा।